हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर से ऑनलाइन क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 7 हम डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर कंटिन्यू डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50, ₹10 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स 100, 50 एंड 10 रुपीज़ के जो नोट्स है उनका हमारे पास रेशोज भी दिए हुए हैं, 2:3:5। द टोटल केस विद लक्ष्मी इज ₹4 lakh। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी है। तो हमें फाइंड करना है कि उसके पास 100 रुपीज़ के, 50 के एंड 10 रुपीज़ के कितने कितने नोट्स, तो ये हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कौन कौन से हमारे पास डिनोमिनेशन है। हमारे पास करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, इसको हम ऐसे राइट करेंगे ₹100, थोड़ा स्पेस देके ₹50, फिर थोड़ा स्पेस देके ₹10। अब इनके रेशोस भी गिवन, सिक्स पेंस में ये फर्स्ट 100 का रेशो होगा 2, सेकंड 3, अब ये 5। तो हम इसमें एक्स अज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5x। अब 100 रुपीज के कितने नोट्स हमारे पास 2x, और 50 रुपीज के हमारे पास कितने नोट्स है 3x, और 10 रुपीज के कितने नोट थे 5x। तो मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे तो 100 के कितने हो जाएंगे हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 2x, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 200x। ऐसे 50 को 50 मल्टीप्लाई 3x, तो हो जाएगा हमारे पास 150x। ऐसे 10 into 5x, तो टोटल रुपीज आ जाएंगे हमारे पास 100 रुपीज के 200x, और 50 रुपीज के जो नोट रुपीज है हमारे पास 150x, और 10 रुपीज के जो हमारे पास है वो 50x। अब इनको अगर हम सम करेंगे तो टोटल रुपीज के इक्वल आने चाहिए 4 lakh, तो इनका सम क्या होगा टोटल रुपीज, ये रुपीज ही तो है हमारे पास, ये भी रुपीज और ये भी रुपीज, तो टोटल टोटल केस हमारे पास क्या हो जाएगा 200x प्लस 150x प्लस 50x टोटल केस के इक्वल हो जाएगा 4 lakh के पास लक्ष्मी के पास। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 200 प्लस 150 350 50 400x इक्वल टू 4 lakh। तो चीज मल्टीप्लाई होकर किस में पहुंच जाएगी डिवाइड में, 4 लाख में हम किसका डिवाइड करेंगे 400, 00 से 00 कैंसिल, 4 × 4 1, 2, 3, क्या कितना आ गया 1000। वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ गई हमारे पास 1000। अब एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे जो हमने अज्यूम किए, 2 × x इट मीन्स 2 × 1000, तो आ जाएगा हमारे पास 2000। इसका मतलब 100 रुपीज के कितने नोट होंगे उसके पास, मतलब कितने रुपीज होंगे 2000। एक्स से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 1000। अब 50 रुपीज के कितने नोट होंगे उसके पास 3000। ऐसे 10 रुपीज के कितने नोट आएंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5000। तो 100 रुपीज के नोट हमारे पास 2000 नोट, और 50
₹30 के 3000 और ₹10 के 5000 नोट उसके पास लक्ष्मी के पास हो। तो एक डायल देखो, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेटर प्लस सो दैट ₹100 इक्वल टू 2000, ₹50 इक्वल टू 3000 एंड ₹10 इक्वल टू 5000। दैट इज आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑन ₹100। विनर को कितने रुपीज मिल रहे हैं? 100। एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹25। और जो नहीं जीतता उसको कितने रुपीज मिल रहे हैं? 25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। टोटल प्राइज मनी कितने डिस्ट्रीब्यूट की? 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। तो हमें नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करने हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो नंबर ऑफ विनर्स को हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू एक्स और टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं? 63। जब विनर्स हमारे पास एक्स है तो बाकी के 63 में से अगर मैं माइनस एक्स कर दूं तो वो नॉट विनर्स आ जाए। तो इट मीन्स पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन टोटल हमारे पास 63 है। अगर विनर हमने एक्स अज्यूम किया तो टोटल में से अगर विनर्स माइनस कर दूं तो नॉट विन आ जाएगा हमारे पास। तो 63 माइनस एक्स वो क्या होंगे? नॉट विनर। अब देखिए विनर्स को कितने रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? 100 रुपीज। तो विनर्स को एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। और जो नॉट विन है उसको कितने रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? 25। इट मीन 63 माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 25 से। तो यहाँ पर आएगा कंपटीशन गेट्स द प्राइस ऑन रुपीज 100, विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइस। तो विनर को कितने? 100। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 एक्स हो जाएगा हमारे पास। नॉट विनर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, क्योंकि 25 होती है। नॉट विनर मीन्स डज नॉट विन, पार्टिसिपेंट्स गेट्स पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन विन गेट्स, उन्हें कितने मिलेंगे फिर? 63 माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 20। तो टोटल रुपीज आ जाएंगे। अब इन दोनों का अगर प्लस करते हैं तो टोटल रुपीज के इक्वल आने चाहिए। टोटल इट मीन 3000। विनर और नॉट विनर के रुपीज को हम प्लस करते हैं तो टोटल रुपीज के इक्वल आने चाहिए। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 100x प्लस 63 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 25, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल रुपीज 3000। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कैलकुलेट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100x 63 मल्टीप्लाई 25 करते हैं। 63 मल्टीप्लाई 25, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 6 5 जा 30 प्लस 1 31, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 5 7 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x इक्वल टू 3000।
अब देखिए 100x प्लस का और ये माइनस का 25x, माइनस होगा तो ये 75x, प्लस को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3000 माइनस 1575, 3000 में से 1575 माइनस करेंगे 10 में से 5, 5 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, और ये 2, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, तो आएगा हमारे पास 75x इक्वल टू 1425। अब जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो किस में पहुंच जाएगी, डिवाइड में, 75 उसके डिवाइड में आ जाएगा, 1425 में 75 का डिवाइड करके देखते हैं हम, 1 टाइम जाएगी, माइनस करेंगे 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, थर्टीन में से 7 माइनस करेंगे 6, 67, नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास 5, आई डिट इज नॉट कर देंगे, अब देखते हैं कितने टाइम जा रही, 9 टाइम्स, 75 को 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करें, 75 मल्टीप्लाई 9, 9 5 से 45, 4 के लिए 9 7 से 63 प्लस 4 67, हाँ कंप्लीट करेंगे डिवाइड 9 से 675, 75 का डिवाइड करने पर 1425 में 75 का डिवाइड करने पर 9, इट मीन्स द नंबर ऑफ विनर्स कितने 19, तो हमें क्या फाइंड करने थे नंबर ऑफ विनर्स, तो लिखेंगे सो या फिर हैंस द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19 आंसर।